तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुझे सपोर्ट दिया जा रहा है भाई। का दिन बोलूंगा का दिन बोलूंगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हरेला दिवस है, तो यहाँ पर आप सभी को ये स्टूडेंट दिख रहे होंगे स्कूल के, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि दिन एक पेड़ अवश्य लगाए। वैसे तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, बट खासकर हरेला के दिन एक पेड़ लगाना चाहिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ही देते हैं। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भाई क्या काम कर रहा है। हाँ, तो भाई यहाँ पर खुदाई कर रहा है। वो बड़ी वाली खुदाई नहीं, छोटी सी खुदाई ठांग रखने के लिए। ठांग आपको पता होगा, इन पौधों को सपोर्ट देने के लिए ठांगों का यूज होता है। ये देखो, जैसे इस ककड़ी के पौधे को सपोर्ट दे रखा है हमने, वैसे ही माँ यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, इसका पौधा है, है? अच्छा ककड़ी का। माँ पता क्या बोल रही है, ये काकड़ी का, उसके बाद ककड़ी का, जो कि काकड़ी और ककड़ी सेम चीज़ है, हिंदी और उर्दू है। हाँ अच्छा, तो इसी को सपोर्ट दिया जा रहा है। ओ भाई साहब बड़ा हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुझे सपोर्ट दिया जा रहा है भाई, डबल डबल सपोर्ट भाई। तुम आओ, मैं वो जा मार डा पूछ। हाँ ना, मैं खोंच ना ना खोंच तुम जाओ ना जा तो जा तो ले मैं एक गाड़ी। तो हाँ रुको, तो भाई पता क्या बोल रहा है कि वहाँ पर मेरा माल्टे का पेड़ देख, यानी संतरे का पेड़ देख। तो ये देखो भाई ने लगा रखा है, जो ये माल्टे का पेड़ है अभी तो छोटा है पौधा है, ये भाई ने आज हरेला दिवस के उपलक्ष्य में लगाया है। एंड मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा या छोटा सा कोई भी पौधा लगाऊंगा हरेला दिवस के उपलक्ष्य में। और हम तो भूल गए यार संदीप, आज वो भी तो है, आज से सावन का महीना। हाँ तो गाइस आप सभी को सावन मंथ की ढेर सारी बधाइयाँ एंड हरेला दिवस की भी, जो हरेला पर्व है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप भी एक पौधा जरूर लगाएं आप सभी से, और अभी मैं लगाऊंगा। वैसे तो ना हमारे खेत में कहीं भी जगह नहीं है भाई, इतना फूल भर रखा है भाई, इतना फूल ये कहीं जगह तक नहीं है। अगर मैं पेड़ नहीं लगा पाऊंगा तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, इसको बड़ा सा करूंगा अगर नहीं लगा पाऊंगा। माँ की जोर से अब तो अब मुझे दरांती लेने के लिए जाना है। सॉरी रियली, वो रियली सॉरी, भाई के पेड़ में लग गया यार मेरे पेड़ से, तो मैं दरांती के लिए जाता हूँ और उसके बाद अपने लिए एक पौधा ढूंढता हूँ एंड साथ में जगह भी। पौधे तो मुझे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट भाई जगह देखो, पूरा जो खेत है ना सगौड़ा, कहीं जगह तक नहीं है भाई साहब। ये देखो वहाँ तक सब यहाँ बो रखे हैं, यहाँ नीचे फल हैं। कुमुच मार दा थोड़ा है, हाँ अच्छा ठीक से है। अच्छा तो जो दरांती जरा तेज चलती हो उसको मुझे लाना है। ये तो है, तो ये दरांती है शायद। माँ ये छेंच सही जा, ओके ना ना खोंच ना, रुकने जरा रुक। हाँ तो मेरी माँ मुझे बार बार फोर्स कर रही है, तो तू कर थोड़ा बहुत खुदाई, जबकि भाई पता क्या बोल रहा कि मैं खुद कर लेता हूँ है। कर रहे एक बात तो है यार, मैंने संदीप तुझे ब्लॉग में पता नहीं कितनी बार ले लिया होगा, फिर भी तूने व्यूअर्स के लिए कुछ नहीं बोला कभी। क्या बोलना है, कुछ भी ऐसा बोलना। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे ओर से हरेला पर्व एंड सावन माह की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। मैं भगवान भोले से यही कामना करूँगा कि आप हमेशा खुश रहे। फिर थोड़ो जी बोले, तो जो मैंने अभी बोला वो मेरी तरफ से, बिकॉज भाई तो कुछ बोल नहीं रहा आपके लिए। हका दिन बोलूँगा, हका दिन बोलूँगा, हका दिन बोलूँगा, ये पता क्या बोल रहा है, हका दिन बोलूँगा।
जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें बोल रहा कि हर दिन बोलूँगा, यानी किसी नेक्स्ट डे बोलूँगा, किसी दूसरे दिन क्या, जब ख़त्म हो जाए, जब ख़त्म हो जाए, जब सावन का मंथ खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे। सावन के मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है? सोना बा भादो रे। हाँ भादो तो मुझे पता ना, क्या नहीं पता न भाई, वह कोई पर्व ऊंचे जन आज कलो रक्षाबंधन। हाँ हाँ रक्षाबंधन पर बोलेगा। ओ भाई बिग प्लानिंग है। हाँ तो ये रक्षाबंधन पर बोलेगा, अगर नहीं बोला ना भाई। हाँ तो भाई ने बिग प्लानिंग कर दी है, रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ बोलेगा। दो शब्द क्या बोलेगा? दो शब्द गाना। हेलो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को दो शब्द, उसके बाद दो शब्द खत्म है। तो आप मेरे हाथ में कुदाल और एक छोटा सा पौधा देख रहे होंगे। मैं आज इस पौधे को लगा रहा हूँ इसमें, इस डिब्बे में, बिकॉज मुझे यहाँ खेत में कोई जगह तो मिली नहीं, तो इस पर मैं लगाऊंगा ये पौधा जो है हरेला पर्व के उपलक्ष्य में है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि जब कोई पर्व आए तभी हम वृक्षारोपण करें, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हमें को प्रॉफिट होगा, हमारा वातावरण साफ होगा, शुद्ध होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक एक पौधे लगाए, हर दिन नहीं बट हरेला पर्व के दिन तो जरूर लगाए दोस्तों। वैसे तो और दिन भी लगाने की सलाह मैं आपको दूंगा। तो लीची का छोटा सा पौधा है एंड जब बड़ा होगा तो लीची इस पर लगेंगे। दोस्तों जो ये लीची का पौधा है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं लगा रहा हूँ। जो ये लीची का पौधा है ना, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में लगाया है, आज से पहले कभी नहीं लगाया है। तो देखते हैं हो भी पाता है या नहीं भी हो पाता है, क्योंकि जो फलदार वृक्ष रहते हैं वो मौसम पर डिपेंड करते हैं। पता हमारे यहाँ का मौसम इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है लीची का पौधा लगाने का। तो देखो फाइनली इसमें मैंने इसको रोप दिया है। अभी का काम हमें ये है कि जो आपको ये सामान दिख रहा होगा इसको हमने किचन में शिफ्ट करना है, बिकॉज आज हमने यहाँ झाड़ू पोछा किया तो इसको यहाँ शिफ्ट करना है। एंड माँ अभी अपने काम पर लगी हुई है इन गेहूँ की सफाई करने पर। तो चलिए हम करते हैं अपना काम, जल्दी जल्दी सफाई करो ब्रो। और तब तक मैं कैमरे को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।